एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अलावर्जा विद अदर डे विद अदर व्लॉग इन माय लाइफ। सो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो जी, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? यहाँ तो जी बस थी, तकरीबन 12 बजे का टाइम था ये, और आज मेरे हस्बैंड के 2-3 कॉरियर्स आ गए थे, जिसमें उनका एक ड्राइविंग लाइसेंस आया था और दूसरा जो इनके लिए गिफ्ट आया था वो भी रावलपिंडी से। तो जी बस यहाँ पर मैं ओपनिंग कर रही हूँ गिफ्ट की, कॉरियर की, और मेरे हस्बैंड थे ऑफिस में और बस जस्ट मैंने उनको एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना के सेंड कर दिया था कि उनके लिए क्या गिफ्ट आया है। तो जी ये थे शूज़, और ये ओरिजिनल लेदर के शूज़ आए थे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त थे। और आपको पता है ओरिजिनल लेदर बहुत ही कम मिलती है मार्केट में, ओरिजिनल लेदर के नाम पे बस ऐसे ही आपको शूज़ दे देते हैं, लेकिन ये पिंडी से ख़ास तौर पर मेरे हस्बैंड के लिए बना के भेजे गए थे शूज़, तो जिसकी लेदर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त थी। अच्छा जी, तकरीबन 12 बजे का टाइम था और ये मैं लस्सी बना रही हूँ, क्योंकि गर्मी इस कदर थी, इस कदर गर्मी थी कि कराची में जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। बस जी फ्राइडे से जो गर्मी स्टार्ट हुई है ना, तो संडे हो गया, लेकिन गर्मी की शिद्दत में कमी नहीं आई है, बल्कि और गर्मी बढ़ती चली जा रही है। बस ये मैं लस्सी दे रही हूँ अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, और जिसके बाद हम खाएँगे दोपहर का खाना, जिसमें मैंने खिचड़ी बना ली थी, क्योंकि गर्मियों में ना इस तरह के खाने बहुत अच्छे लगते हैं, खिचड़ी हो गई, और फ्राइडे का दिन आपको पता है बहुत शॉर्ट होता है, तो मैं प्रीफर करती हूँ कि राइस ही बनाऊँ। बस जी खिचड़ी रेडी हो चुकी थी और मैं मसूर की दाल की खिचड़ी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ना मसूर की दाल की खिचड़ी ही पसंद करते हैं। बस ये खिचड़ी रेडी हो चुकी है, बस हम सब खाना खा रहे हैं दोपहर का, और बस यहाँ मैं 3 बजे जाऊँगी अब शॉपिंग के लिए, क्योंकि आजकल मैं शॉपिंग पे मसरूफ़ हूँ, इस वजह से मैं व्लॉग भी आपको प्रॉपर नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन ये जो व्लॉग है मैं आपको शॉपिंग का दूँगी। तो बस जी मेरे साथ रहिएगा, व्लॉग को एंड तक देखिएगा, और जो शॉपिंग क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, तो नेक्स्ट व्लॉग भी देखना मत भूलिएगा। तो बस साथ रहिएगा और एंजॉय करें शॉपिंग। जी हम आ चुके थे साइमा मॉल, और यहाँ पर मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि मैं शॉपिंग में इतना बिजी हो गई थी, और दाइम भी आपको पता है साथ है, तो इट्स टू डिफ़िकल्ट कि आप बच्चों के साथ शॉपिंग करें। खैर मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं शॉपिंग के मामले में, और बस जी यहाँ पर हमने साइमा मॉल से कुछ ड्रेसेस वगैरह परचेज़ कर लिए थे, मैंने अपना भी ड्रेस ले लिया था, और बस ये क्या हुआ, अब हम आ गए थे मिलेनियम मॉल, साइमा मॉल के बराबर में ये जी। वहाँ पर क्या हुआ, रबी की स्लीपर बिल्कुल टूट गई थी और रबी को बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था, हम रबी को दोबारा न्यू स्लीपर परचेज़ कर रहे हैं, करके दे रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले ही रबी को स्लीपर हमने परचेज़ करके दी थी, लेकिन बच्चे क्या हैं, रनिंग बहुत करते हैं, और रबी थोड़े से शरारती भी हैं, मॉल जाते हैं तो वो रनिंग वगैरह करते हैं, और बस इस वजह से स्लीपर उनकी टूट गई थी। और ये स्लीपर इतनी ज़बरदस्त आई हुई है, बच्चों की कलरफुल स्लीपर्स आई हुई हैं, मुझे बच्चों की स्लीपर से ना देख देख के अट्रैक्ट हो रही थी मैं, और दाइम तो इस कदर अट्रैक्ट हो रहे थे कि दाइम से खुद स्लीपर उतार रहे थे और अपने शूज़ उतार के हैं मुझे भी पहनाओ यानी कि, तो बस यही होता है। और जी बस मिलेनियम मॉल का खुद मुझे ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी, मुझे ज़्यादा खास समझ में नहीं आया, क्योंकि आजकल कपड़ों की वैरायटी इस कदर लो आई हुई है, इतना डाउन कपड़े आए हुए हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहे, कि बहुत मुश्किल से मुझे ना समझ में आ रहे थे कपड़े। तो बस हम मिलेनियम से हम वापस जाएंगे, और अब भूख लग रही थी, तकरीबन 10-10:30 बजे का टाइम था ये, और हम सबको इतनी शदीद भूख लग रही थी, क्योंकि आपको पता है शॉपिंग में चल चल के भूख लग ही जाती है, जबकि मुस्तकिल मेरे हस्बैंड कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते हमें लेके जाते हैं और लेकर आते हैं। बस ये अब मिलेनियम, ये मैं आपको दिखा रही हूँ मिलेनियम मॉल है पूरा, काफ़ी अच्छे बने हुए मॉल, और मुझे खैर मिलेनियम से ज़्यादा साइमा मॉल मुझे ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि वहाँ पे वैरायटी कपड़ों की ज़्यादा अच्छी आई हुई थी और बच्चों की भी अच्छी इनके वैरायटी थी। तो जी बस अब हम यहाँ से जाएंगे अपना डिनर करने, अब हम डिनर के लिए कहाँ जाते हैं ये आप देखते रहें व्लॉग को और इन्जॉय करें। अरे अपने दौड़ से
कौन सा लगाऊं, क्या लगाऊं? अच्छा जी, ये हम आ गए थे बंस रोड, और बंस रोड आपको पता है काफ़ी मशहूर है कराची में, फूड स्ट्रीट है पूरी, और बहुत ही ज़बरदस्त खाने होते हैं, बहुत ही फेमस होते हैं इनके खाने। तो बस मेरे हस्बैंड यहाँ लेकर आ गए थे हमें, और जी इन्होंने बंस रोड अब इतना चेंज कर दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त बना दिया है, और बहुत ही काफ़ी अच्छा लग रहा था देख कर। तो जब हम पहले आया करते थे ना, बिल्कुल अब चेंज हो गया है, अब बंस रोड की फूड स्ट्रीट बना दी है कम्प्लीटली, वॉलेट सिस्टम कर दिया है, और बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रीट बना दी है, सेम वेजिटीज बना दी है जैसे रावलपिंडी में फूड स्ट्रीट है। मैंने आपको पाकिस्तान टूर के व्लॉग्स में रावलपिंडी का पूरा एक फूड स्ट्रीट का व्लॉग भी दिया था, अगर आपको देखना हो तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं, मैं आई लिंक में उसका बटन दे दूँगी। तो जी बस बहुत ही ज़बरदस्त था, और यहाँ हम प्लेटर हाउस आ गए थे, तो हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे, हमने कहा चलें यहाँ का खाना ट्राई करते हैं, और हमें खाना था थोड़ा बारबेक्यू टाइप, हमें खाना एंजॉय करना था, जिसके लिए हमें प्लेटर हाउस आ गए। बस हमने यहाँ पे अपना प्लेटर ऑर्डर कर दिया था बारबेक्यू का, और चिकन हांडी पनीर हांडी भी ऑर्डर कर दी थी। बस जी यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं, और मैं आपको पूरा ये दिखा रही हूँ प्लेटर हाउस का, एक थोड़ा सा मैंने कहा आपको व्यू दिखा दूँ किस तरह का है। और खैर प्लेटर हाउस जब हमने ऑर्डर किया ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त था प्लेटर भी, और काफ़ी इनके मज़ेदार खाने हैं, आप लोग चाहें तो आ सकते हैं, मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है। और बहुत ही एक छोटी सी स्पेस में इन्होंने अपना है ना रेस्टोरेंट ओपन किया हुआ है, लेकिन खाने बहुत मज़ेदार हैं। तो जी बस यहाँ मेरे हस्बैंड ने प्लेटर ऑर्डर कर दिया है, ये तकरीबन 2% का था ये प्लेटर, 4% का प्लेटर था ये हमने ऑर्डर किया था, लेकिन हमारी फैमिली को इनफ था ये प्लेटर, क्योंकि इसके अंदर सीख कबाब थे, मलाई बोटी थी, चिकन टिक्का था इसके अंदर, और बहुत ही मज़ेदार इन्होंने पुलाव टाइप ना राइस दिए हुए थे। और जी बस इसके बाद रायता था, और दूसरी तरफ हमने चिकन पनीर हांडी भी ऑर्डर कर दी थी, वो भी आ गई, ये भी बहुत मज़ेदार थी। तो जी बस हम यहाँ खाना एंजॉय करते हैं, और यकीन कीजिएगा 4% का भी ना हमारी फैमिली के लिए इनफ था, इसमें से भी राइस बच चुके थे। अच्छा ये भी बता दूँ, मैं आपको प्लेटर में ना ऑप्शन दिए हुए उन्होंने मेन्यू कार्ड में, आप देखेंगे तो ऑप्शन है, आप 4% के लिए अगर ऑर्डर करना चाहें तो 4% के लिए कर सकते हैं, 6% के लिए भी, 8% के लिए भी है, जितनी आपको ऑर्डर करना है उस हिसाब से आप प्लेटर ऑर्डर कर सकते हैं। और जी बस ये कढ़ाई के साथ हमने चपाती और पूरियाँ भी ऑर्डर कर दी थी, और बस हम यहाँ खाना इन्जॉय करते हैं। डर निकलेगा जी। डिनर से हम फ्री हो चुके थे, और बस जी ये कलरफुल से ड्रेस में, और बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने गेटअप किया हुआ था, ये जोकर पूरा जोकर का गेटअप किया हुआ था, ये आ गए थे, और बच्चे इनको देख के इतना खुश हो रहे थे, अला बर्जा रबी और दायम की, तो बस एक कहते ना दायम ने कोई नई चीज़ देख ली थी, और दायम की जैसी नज़र पड़ी ना, दायम ने खाना पीना सब छोड़ दिया, बस इन्हीं को देख रहे थे दूर से, और जब ये करीब आए तो दायम को इतना ज़्यादा डर लग रहा था, दायम इनसे हैंडशेक भी नहीं कर रहे थे। तो बस जी यही होता है बच्चे, दायम का तो बस देखने का था कि दायम कितना ज़्यादा डर रहे थे। और बस जी खाने से फ्री होने के बाद हम घर की तरफ जा रहे हैं, और यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग, आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक कर दिएगा, इससे क्या होता है हौसला अफजाई होती है, और कमेंट ज़रूर कर दिएगा कि आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद आया है। और जी बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलिएगा, तो फिर अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।